एक गांव में खाके जाओ नाम का एक ढाबा था। उस ढाबे का मालिक था मुन्ना। उस ढाबे का पराठा और मटन करी बहुत मशहूर था। वहां लोगों की भीड़ लगी रहती थी। मुन्ना सवेरे से खूब मेहनत करके पराठा और मटन करी बनाकर लोगों को परोसता। उसने सिर्फ दो लोगों को काम पर रखा था। एक दिन एक व्यक्ति मटन करी और पराठा खा रहा था तो मुन्ना उसके ग्लास में पानी भरने लगा। तभी वहाँ दो और व्यक्ति पहुँचे। उनमें से एक व्यक्ति खाने वाले से, अरे यार वेणु क्या हो गया, परसों मेरे जन्मदिन पर तुम क्यों नहीं आए? तब वेणु, यार माफ कर देना भाई, काम में बिजी था, मुझे पुणे जाना पड़ा, सॉरी यार, कहकर हाथ धोने के लिए उठा। तब वो व्यक्ति, सुनो वेटर, ये हमारा आदमी है, इसके खाने का बिल भी हमारे बिल के साथ जोड़ देना, कहकर वे दोनों बैठ गए। मुन्ना, ये क्या चक्कर है, सवेरे से हर कोई आकर खाता है, दूसरा आकर कहता है कि मैं इसका बिल भरूंगा, लेकिन बिल भर कोई नहीं रहा, बस खाते जा रहे हैं। तब उन दोनों में से एक व्यक्ति, अरे बिल भरने वाला भी आ जाएगा, अरे चलो चलो जल्दी से पराठा और मटन करी ले आओ। जैसे ही वे दोनों खाकर उठने लगे, एक परिवार वहाँ खाने के लिए पहुँचा। तब इन दोनों में से एक व्यक्ति, दीदी कैसे हो आप? अरे जीजा जी आप कैसे हो? आप दोनों से मिले हुए बहुत दिन हो गए, ताई जी के भोग में मिले थे, बाद में तो दिखे ही नहीं, सब ठीक ठाक है ना दीदी? तब जीजा जी, हाँ भाई बहुत दिन हो गए, आप सब ठीक ठाक हो ना? ओ भैया वेटर सुनो, इन्होंने जो भी खाया है वो सब मेरे बिल में डाल देना। मुन्ना, अच्छा आप भी, और ठीक है आ जाओ बैठो खाओ। अरे सुनो भैया, चार प्लेट मटन करी और पराठा ले आना। क्या तो हम पाते हैं कि उन दोनों में से एक व्यक्ति उस परिवार की ओर इशारा करते हुए मुन्ना से, अरे सुनो इस फैमिली का बिल भी हमारे साथ जोड़ देना। तो उन दोनों से एक और व्यक्ति, ओ भैया इस बड़े भाई के होते हुए, यूं कह ही रहा था कि वेटर, यही कहना चाहते हैं ना आप कि इन दोनों का बिल भी आपके बिल के साथ मिला दे? वो व्यक्ति, अरे बिल्कुल सही कहा तुमने। कि एक व्यक्ति ढाबे में आकर बैठा है इधर उधर नजर दौड़ाते हुए, लगता है नौकरी मिलने से पहले ढाबे में खा खा कर मेरे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, क्या करें सब अपनी किस्मत है। ओ भैया वेटर सुनो, आना जल्दी आओ भाई। तब मुन्ना ने आकर उसके सामने केले का पत्ता रखा। तब वो व्यक्ति, अरे तुमने किससे पूछकर ये पत्ता परोसा है? तुम मुझसे बिना पूछे कि मैं क्या खाने वाला हूँ पत्ता परोस दोगे? तब मुन्ना, अरे भाई साहब इतना नाराज क्यों होते हैं, चलो बताइए क्या खाएंगे आप, यहाँ का मटन करी और पराठा बहुत मशहूर है। तब वो व्यक्ति, वो सब मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ एक चाय पिलाओ। यूं कहते ही मुन्ना जाने लगा। तब वो व्यक्ति, अरे ये पत्ता यहाँ क्यों रखा है, क्यों मैं इसे चाटूं? अरे हटाओ इसे यहाँ से। मुन्ना पत्ते को हटाते हुए, एक चाय ले आओ भाई, कह के जोर से आवाज दी। वो व्यक्ति कान बंद करते हुए, अरे इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, धीरे बोल सकते हो ना? मुन्ना, देखो भैया बहुत हो गया, ज्यादा बकवास ना करो, कहकर गुस्से में वहाँ से चला गया। तभी पीछे बैठा एक व्यक्ति उसके पास आया और, अरे जिगर कैसे हो भैया? तब ये व्यक्ति, अरे हेमंत कहाँ हो भाई, अरे इतने दिन कहाँ थे, यहाँ कैसे आना हुआ, आ जाओ बैठो बैठो यार। हेमंत, अरे मैंने गांव छोड़ दी, शहर आकर सेटल हो गया। जिगर, अच्छा तुम क्या बिजनेस करते हो? तब हेमंत, वो अरे यार यहाँ बड़े बड़े बिजनेस करता हूँ मैं। जिगर, बड़े बड़े बिजनेस, कैसे बिजनेस यार? हेमंत, वो यार बहुत सारे बिजनेस है, किस किस के बारे में बताऊँ? जिगर, यार तुझे देखा तो मन बहुत खुश हो गया यार। यूँ कह रहा था कि मुन्ना आकर जिगर से, लीजिए सर आपकी चाय, कहकर चाय वहाँ रखते हुए हेमंत से, ये लीजिए सर आपका बिल, कहकर उसे बिल थमाया। उस बिल को देखकर हेमंत दंग रह गया। फिर अपने मन में, हे भगवान, ये सोचकर कि जान पहचान के हैं, उनका बिल जोड़ने को कहा, पूरा 5,000 रुपए का बिल आया है, अब ये 5,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊं? यूँ सोच रहा था कि तभी जिगर अपने मन में, हेमंत कहता है कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अरे इसके साथ मिलकर मुझे भी सेटल हो जाना चाहिए, मैं इसका बिल भर देता हूँ। यूँ सोचकर, अरे यार हेमंत हमारे हाथ में ये क्या है? हेमंत, अरे यार बिल है। जिगर, वो बिल जरा मुझे देना, मैं भर देता हूँ। हेमंत, नहीं यार मैं भर दूंगा, तुम क्यों भरोगे? यूँ कही रहा था कि जिगर ने हेमंत के हाथ से बिल छीन लिया और, ये बिल मैं भरूंगा, अरे यार दोनों एक ही गांव के हैं, अगर मैंने तुम्हारा बिल नहीं भरा तो क्या ये अच्छा लगेगा, बोलो। सुनो भैया वेटर, इनका बिल भी मेरे बिल के साथ जोड़ देना। तब उस बिल को लेते हुए मुन्ना, अच्छा आप भी, कहकर उस बिल को लेकर कुछ लिखने लगा। जिगर, ये क्या आप भी क्यों कह रहा है, अब भैया जरा जल्दी बिल देना,
जाना है। मुन्ना ने बिल दिया तो उसे देखकर जिगर दंग रह गया। ये क्या 5,015 रुपए? यूं चिल्लाते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ हेमंत नहीं था। जिगर, अरे अब ये कहाँ चला गया? तब मुन्ना, अरे वो तो कब का भाग गया। तब जिगर, अरे ये कैसा बिल है 5,015 रुपए? एक आदमी ने इतना खाया? तब मुन्ना, अरे उसने तो कम खाया लेकिन उससे पहले 5-6 ग्रुप आए थे, वो सब खा के चले गए और जाते जाते बिल इसको थमा गए। अब ये सोच रहा था कि ये बिल किसके सर पर डाले, तो आप आ गए और बड़े डींगे मारने लगे कि मैं बिल भरूंगा। उसने बिल आपके सर पर डाल दिया और यहाँ से रफू चक्कर हो गया। अब आप चुपचाप बिल भरिए और बाहर जाइए। तब जिगर, अरे एक चाय का इतना बड़ा बिल, कहकर गश खाकर वहीं गिर गया।